हिमाचल प्रदेश में मंडी की जेल रोड पर मौजूद मस्जिद को लेकर हो रहे बवाल के पीछे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश जारी किया है। आयुक्त HH राणा ने अपने फैसले में कहा कि मंडी में जेल रोड मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा, वहां पर मस्जिद की पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ रहे हैं ताकि इलाके में आपसी भाईचारा बना रहे, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अचानक मंडी की जेल रोड में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया। शुक्रवार को मंडी में मस्जिद के मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया। इनकी मांग अवैध मस्जिद को गिराने की थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ, इसे तोड़ना ही होगा। शहरी मन से आक्रोश रैली शुरू हुई और पूरे बाजार से होते हुए सकोड़ी चौक की ओर बढ़ी। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से पानी की बौछार भी की गई। मंडी प्रशासन ने हालात को देखते हुए BNS की धारा 163 लगाई है। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मंडी शहर की चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। मस्जिद के पास ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। क्या कहा मस्जिद कमेटी ने? मस्जिद कमेटी के सदस्य इकबाल अली ने बताया, मस्जिद के निर्माण को लेकर नगर निगम को अक्टूबर 2023 में नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन दिया था। लोक निर्माण विभाग से NOC लेनी पड़ेगी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, ना ही उन्हें इस बारे में अवगत करवाया गया था। जब एक लेंटर डाल चुके थे उसके बाद PWD विभाग ने निर्माण कार्य पर ऑब्जेक्शन कर दिया और नोटिस आना शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग, रेवेन्यू, कानून को, पटवारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे। निशानदेही के बाद जितना अवैध हिस्सा निकला है उसे वे खुद ही बिना किसी के दबाव में तोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि आपसी भाईचारा, सामाजिक सुराग बना रहे और कानून का पालन हो। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।